क्या करूँ अब, क्या करेंगे रोजा रखे। अब दिमाग खराब भी है, निकल हैंग हो गया, नाक एकदम जलने लगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू मिज़बान ममाज़ ब्लॉग। तो गाइस आज जब हम घर पर उठे सोकर, तो हमारे घर पे पूरा पानी पानी हो गया है। किचन ये तो काफ़ी पोंछ दिया, देखो हमारी वॉशरूम में से ऊपर पानी आ रहा है, ये पूरा मेरा घर पानी पानी हो गया, पूरा घर। बाप रे बाप, इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना गाइस, देखो मेरा पूरा कारपेट वगैरह सब खराब हो गया है, पर्दा कारपेट बेडरूम का कारपेट हर चीज़ खराब हो गई है। वो तो वो किचन का पूरा सामान भी खराब हो गया है गाइस, समझ नहीं आ रहा है क्या क्या करें। गाइस पूरे घर पे आज पानी भर गया हमारे, क्योंकि जो नीचे का जो पाइप था वो नीचे से फंसा हुआ था, इसमें किसी गलती नहीं, तो पूरे घर पे पानी भर गया है, बेडरूम हॉल रूम अंदर पूरा पानी। यहाँ से तो पानी निकाल नहीं सकते मिस भाग अपन, क्या करूँ मतलब, तो अभी क्या करेंगे, अभी रोज़ा रखे तो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, जो भी पानी ऊपर ऊपर का पूरा निकाल देते हैं। करना ही पड़ेगा, पूरा घर सड़ जाएगा अगर रखेंगे तो। क्या नीचे? हाँ नहीं, नीचे का पानी तो निकल जाएगा अपने आप, अभी सूख जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, फैन चालू करके रखो सूख जाएगा। पर ये पूरा पानी दीदी ने पूरा निकाल दिया है, एकदम क्लीन कर दिया, बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, पूरे सोफे वोफे के नीचे हो गया था, तो अभी हम लोग क्लीन करते हैं। है सर देखो गाइस इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग ये पूरा जो गीला हो गया मैट उसको धो रहे हैं, उसको ऐसा कौन धोता है? हाँ दिमाग खराब है, अब दिमाग खराब है तो फिर ये धो क्यों रही, फिर रोज़ा लग जाएगा। मैं तो कुछ करने वाला हूँ नहीं, मेरे को तो एकदम रोज़ा लग गया है, बहुत काम कर रहा थी मिस भाई। क्या कर रहे तुम लोग, चलो उठाओ जाओ। तो गाइस पूरे घर पे पानी हो गया था, अभी हम दोनों फ्रेश हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर पे, वहीं पर इफ्तारी खोलेंगे, क्योंकि मैं कुछ बना नहीं पाई, पूरा साफ़ कर रही थी देखिए। और मम्मा भी रेडी हो गए वहाँ पर, मम्मा वाटरमेलन लेकर चलते हैं, ठीक है? तो गाइस चलते हैं वाटरमेलन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने वाटरमेलन ले लिया है, यहाँ पर पूरा संडे मार्केट लगा है। मम्मा 40 रुपीज़ दो ना, देखो माशाल्लाह संडे मार्केट है यहाँ का, मम्मा पैसे दे रहे हैं। और कलिंगड़ क्योंकि कटवा लिया था, ठीक ठाक है, देखते हैं घर पे कैसा लगता है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं मम्मी जी के घर पर, क्योंकि आज आपको ऐसे ही पता है हमारी हालत क्या है, और मेरे को तो एकदम रोज़ा लग गया है, क्योंकि इतना पानी भर गया था घर पे कि काम वाली मैं मिस भाई पूरा पानी निकालने के लिए हमको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगा। वो नीचे का पाइप फट गया था, फिर वॉचमैन से ये वो बहुत किरकिर हुआ, तो हम लोग को बहुत टाइम हो गया, इसलिए हम लोग ने घर पर खाना कुछ नहीं बनाया, घर पर अफ्तारी कुछ भी नहीं बनाया। तो अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी जी का फ़ोन आया कि बोले आ जाओ, मैं घर पर अकेली हूँ, साथ में अफ्तारी कर लेते, तो मिस बोली डन चलते हैं। और ये तुम्हारी लिफ्ट तो माशाल्लाह है, कभी टाइम पे आती नहीं है। तो गाइस अफ्तारी के लिए बचाए थे 5 मिनट और लिफ्ट दे रही है हमें 2 का, तो देखते हैं हम लोग लिफ्ट में अफ्तारी करते हैं या घर पे। तो गाइस चलो मिलते हैं अफ्तारी के बाद। तो गाइस हम लोग आ गए रोज़ा खोलने के लिए, और माशाल्लाह बहुत सारे सामान है, मम्मी जी पापा जी मिलते हैं आपको अफ्तारी के बाद बोल सकेंगे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मम्मा का कपड़ा लेने, और देखते क्या था, कहाँ जा रहे हो? हाँ तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कुर्ला, और वहाँ से मैं लूंगा अपने लिए कुर्ता, और मिसबा के लिए मैं कुछ लेने वाला नहीं हूँ। मिसबा किधर जा रही है? ये मिसबा देखने जा रही है कि हम लोग अपने घर पे पानी भरा था ना, तो किधर से गिर रहा था, यहाँ से पूरा पानी गिरा, ये घर का है पानी, उधर पूरा गिरा है, देखो यहाँ से ये पूरा गिरा है, देखो ये भरा हुआ था हमारे घर पे,
और ये मेरी धन्नो खड़ी है। तो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं कुर्ला के लिए, वहाँ जाके मेरे लिए लेंगे पठानी अच्छा सा ईद के लिए, और वहाँ से हम लोग आते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइज हम आ गए हैं मम्मा का कपड़ा लेने और अब जाएंगे मम्मा का कपड़ा चूज करने। चलो, रश भी बहुत है अंदर, देखते हैं। संडे है ना आज? हाँ हाँ। तो गाइस इधर मिसबा कपड़े लेने के साथ साथ परफ्यूम भी ले रही है, देखो यहाँ पूरा शॉप है। कौन सा परफ्यूम पसंद आ रहा है? अतर ले रही है तू? हाँ, नमाज होगी ना? जी सर। हाँ, तो मिसबा ले रही है अपने लिए भी, मेरे लिए भी ले रही है मिसबा, मेरे लिए ले रही है, मेरे अब्बा के लिए ले रही है। गाइस मेरे लिए भी ले रही है, मेरे अब्बा के भी ले रही है। मैंने कपड़े ले लिया हूँ, मैं कपड़े आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पर अभी ये परफ्यूम ले रही है। इस बार कंटिन्यू परफ्यूम यूज कर रही है और साथ में लेके रखी है कॉफी। मम्मा रिजवान भाई कौन सा अतर लगाते हैं? उनको कोई आइडिया नहीं रिजवान भाई का कौन सा अतर लगाते हैं। अरे भाई ने बहुत सारी चीज़ें दिखा चुकी हूँ, मतलब कौन सा पसंद आ रहा है तो तुम ले लो जो तुमको पसंद आ रहा है तुम ले लो। तो हम लोग ने चारों बॉटल ले लिया है, एक टुगेदर है, एक है रेडियंस है, एक है हिजा, एक है ये है ऊद। तो हम लोग ने चारों ले लिया है और मिसबा कॉफ़ी सूंघ रही है। मैंने तो इतना सूंघ लिया हूँ, एकदम हैंग हो गया, मेरा नाक एकदम जलने लगा और भाई मेरे को सुनाया जा रहा ये लोग लो। मस्त सेल्स मैन है भाई, सेल्स एग्जीक्यूटिव ये ऐसा बंदा होना चाहिए। तो गाइस मामा का कपड़ा सिलेक्ट हो चुका है, मामा आपको कैसा लग रहा है? मैं तो बोलती हूँ ट्राई कर लो और ऑल्टरेशन के लिए करवा लो जो करना है। ट्राई करने का पहले इनको ट्राई करवा देते हैं। तो गाइस हमारी शॉपिंग हो गई है और मम्मा पूरा सामान लेकर, मम्मा तुमने कुछ ज्यादा नहीं ले लिए, हल्के हल्के में? हाँ हाँ, परफ्यूम की बॉटल ले लिया, माशाल्लाह। बीवी दिला रही है तो पहले ले लो। वाह, इनकी बीवी दिला रही है तो पहले ले लो। तो गाइस मुझे बताइए किसके पति ऐसा करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए कि बीवी दिला रही है तो फटाफट ले लो, ऐसे तो बीवियां करती है। मम्मा अभी मेरी बारी आई नहीं है, बारी आएगी तो तुम मेरे से ले लेना। यस, और मैं लूंगी जरूर। तो गाइज अभी हम आपको बताते हैं कि हमने आज क्या क्या शॉपिंग की है। तो मम्मा अपना सामान लेकर बैठे हैं, लेकिन मम्मा के ईद का ड्रेस हम आपको नहीं बताएंगे, बाकी जो हम लाए वो बताएंगे। और मैंने बहुत सारे फ्रेग्रेंस लाए हैं वो भी आपको बताती हूँ। गाइज मैं आपको ईद का कपड़ा सॉरी नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि ईद का कपड़ा ईद में देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा पास आ जाओ ना मम्मा। ओके, तो मैंने एक ये लिया हूँ, एक बहुत प्यारा कुर्ता है और बहुत ही अच्छा है। और मेरे को एक वाइट कुर्ता बहुत पसंद है तो मैंने एक वाइट कुर्ता लिया हूँ। वाओ, तो ये बहुत ही मतलब इतना सॉफ्ट है कपड़ा तो मुझे बहुत मजा आया है। और ये पेपर है तो ये भी मुझे, ये फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा मैं। पेपर नहीं है वो कॉटन है, प्योर मम्मा प्योर कॉटन, तो मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। तो ये मैंने दो कपड़े लिया हूँ और क्या, और आपको मैं चीज दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने लिया है बहुत सारे परफ्यूम की बॉटल, इत्र, सॉरी बहुत सारे इत्र की बॉटल लिया हूँ मैंने, और उसमें से दो मिसबा ने लिया है। yes. और मिसबा का एक ये है क्या है, ये टुगेदर रेडियंस, रेडियंस और एक टुगेदर नेस, ये दोनों मिसबा का है। टुगेदर नेस, टुगेदर, हाँ टुगेदर नेस, सॉरी। मेरे को सबसे अच्छा इसमें क्या लगा, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है पर इसकी बॉटल देखो। वाव, मम्मा ने आज इत्र लगाया था, वो इत्र पूरा दिन मम्मा के बदन पे था। मेरा क्यों लगाते हो जन, मेरा क्यों लगाते हो? तो गाइस मैंने मिसबा का भी ट्राई किया और कैसा लग रहा है, एक ये भी ट्राई करता हूँ। ये वाला भी देखो सेम है पर बहुत ही अच्छा खुशबू है, इसको एक बार ऐसा ट्राई करने का बस। क्योंकि गाइस क्या है, जब हम जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए तो अत्तर वत्तर फुल लगा के जाएंगे। और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लास्ट है वो तो, हाँ सॉरी लास्ट, ये मेरा है अल हिजाज, वो मत लगाओ अभी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। अल हिजाज ये मेरा है और ये मेरा अत्तर है
और ये अतर ऐसा ऐसे लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग है, इसको धोने के बाद भी 2-4 दिन इसकी खुशबू रहती है और ये बहुत प्यारा अतर है। और ये मैंने जो अतर लिया हूँ तो मैं सोचा कि मेरे डैड को भी बहुत ही शौक है अतर लगाने का, तो मैंने अपने डैडी के लिए भी यही एक अतर लिया हूँ, सेम हम लोग दोनों का सेम है। तो मिसबान ने भी अपने डैड के लिए एक अतर लिया है उद, और ये बहुत ही अच्छा है, और इससे अच्छा नहीं है पर ये बहुत अच्छा है। तो गाइज मैंने ये इतनी सारी शॉपिंग किया है, आई होप कि आपकी भी शॉपिंग चालू हो गई रहेगी ईद की। तो गाइज जाइए अपने फैमिली को भी शॉपिंग कराइए, खुद भी कीजिए और हम लोग को भी आइडिया दीजिए कि और क्या क्या लेना चाहिए। लव यू गाइज, बाय बाय। तो गाइज मम्मा ने अपनी ईद की शॉपिंग कर दी है, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन। यस, तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।